अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन पिज़्ज़ा पाए। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस इसमें मेयरमेंट आपको बिल्कुल सही तरीके से करनी है तो आप भी इसको आसानी से बना पाएंगे और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलें रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और ये 2 टेबलस्पून के बराबर दही है और 1 टेबलस्पून के बराबर लेमन का जूस है और ये 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी। ये सब चीज़ें अब इसमें जाएंगी। लेमन का रस, दही और ये सारे मसाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं सारे मसाले भी इसमें चले जाएंगे। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे कोयले का दम देंगे। ये मैंने एक फाइल पेपर इसके ऊपर रखा है, अब मैं इस पर कोयला रखूँगी। हाँ, ये मैंने इस पर कोयला रखा है, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ये देखें, और साथ ही मैं इसे कवर कर दूंगी। अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ेंगे 10 मिनट। ये हमने एक पैन में 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल लिया है और ये मैरिनेटेड चिकन जो है मैं इसमें डालूंगी। अब चिकन को ये फ्राई करेंगे, चिकन अपना ही पानी छोड़ देगा और ये तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर गल जाएगा। मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमने पकाना है। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए इसका पानी खुश्क हो चुका है और चिकन जो है वो बिल्कुल गल चुका है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें चिकन को मैं तोड़ के, ये देखें ये बिल्कुल गल चुका है, ये देखें हाफ हाफ हो रहा है, ये देखें बिल्कुल गल चुका है चिकन। तो अब मैं इसका स्टोव ऑफ कर दूँगी। ये मैंने 1/2 कप नीम गर्म पानी लिया है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून यीस्ट डालूँगी और ये मैंने 1/2 टीस्पून इसमें चीनी का डाला है। इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब ये मिक्स हो चुका है, मैं इसे तकरीबन राइज होने के लिए तकरीबन 6 मिनट तक इसे इसी तरीके से ढक के छोड़ दूंगी। 6 मिनट के बाद फिर हम इसे डो में डालेंगे। अब हम डो तैयार करेंगे। ये मैंने 2 कप के बराबर मैदा लिया है, इसमें मैं 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर रही हूँ, 3 टेबलस्पून के बराबर ये मैंने मक्खन लिया है, इसे मैंने मेल्ट कर दिया है, ये भी इसमें शामिल होगा, और ये 1 एग है इसे मैंने फेंट के रखा हुआ है, इसे मैं इसमें आधा शामिल करूँगी, आधा हम बचा लेंगे। और ये जो हमने यीस्ट को हमने पानी में घोल के रखा था ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये यीस्ट पीस में गया। अब हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे इसकी। इसे अच्छे से हम गूंद लेंगे डो को कि ये बिल्कुल एक इस तरीके से डो तैयार हो जाए कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो और बहुत सख्त भी ना हो। ये देखें ये इस तरीके से डो तैयार हो गई है, ना ये ज़्यादा सख्त है और ना ये ज़्यादा नरम है, ये देखें इस तरह इसको होना चाहिए बिल्कुल। अब हम इसे ढक के तकरीबन 1 से 1.5 घंटा राइस होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें 1 घंटा गुजर चुका है, ये डो हमारी देखें कैसे राइस हो चुकी है। अब मैं शेल्फ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और इस डो को उठा के इधर रखेंगे और एक दफ़ा इसको दोबारा से मैं अच्छे से इसको गूंद लूँगी ताकि इसमें से जितनी भी एयर है वो निकल जाए।
बहुत अच्छे से डो जो है राइज हुई है, ये देखें ये देखें, ये इतना हमारा हो गया। अब मैं इसको कट कर रही हूँ, एक पीस में बड़ा रखूँगी और एक सरा छोटा रखूँगी। ये छोटा है, इसको मैं एक साइड पे कर रही हूँ और इसको हम बेलेंगे। अब इसको हम अच्छे से बेलेंगे मैदा डस करके, ताकि ये चिपके ना बिल्कुल भी। इसको हम बेलन लेके इस तरीके से बेलेंगे, देखें इस तरीके से। ये देखें मैंने इसको बेल लिया, और ये मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे ली है, इसमें मैंने मैदा डस्ट कर दिया ताकि ये नीचे ना चिपके। अब मैं इसको रोटी को इस पे उठा के, ये देखें इसके ऊपर ऐसे रखूँगी, देखें इस तरीके से, इसको साइडों पे सारा ऐसे ऐसे करके पे रख दिया मैंने। डो को बेल के मैंने पिज़्ज़ा ट्रे में रख दिया। अब एक फोर्क लेके इसको इस तरीके से हम पंच कर देंगे ताकि ये ज़्यादा फूले नहीं। इस तरीके से सब जगह मैं इस तरीके फोर्क से पंच कर रही हूँ, ये देखें बिल्कुल इस तरीके से ये कर दिया हमने। अब हम पिज़्ज़ा सॉस लेके इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आपने पिज़्ज़ा सॉस आपके पास नहीं है तो आप जो है वो इसमें केचप भी लगा सकते हैं, या चिली गार्लिक सॉस जो है वो भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप इस पे लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस हमने लगा दी है, अब हम इस पे मोज़रेला चीज़ डालेंगे। ये मोज़रेला चीज़ हमने डाल दी है। अब ये जो हमने चिकन बनाया था ये इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। ये मैंने कुछ शिमला मिर्च, टमाटर और ये प्याज लिया है। अब इसको भी हम इसके ऊपर इसी तरीके से लगा देंगे। ये शिमला मिर्च मैं इस पे डाल रही हूँ, देखिए प्याज भी इसी तरीके से इस पे डाल देंगे। अब टमाटर भी मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख दूंगी सारे। ये मैंने 2 पिंच जितना ऑरिगानो लिया है, और ये मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ली है। इसको इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दूंगी अब मैं, ये देखें, ताकि इसमें अच्छा सा एक पिज़्ज़ा का फ्लेवर आ जाए। ऑरिगानो के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पिज़्ज़े का। मैं इस पे सारा स्प्रिंकल कर दिया। अब हम इस पे ये चेडर चीज़ मैंने लिया है, ये चेडर चीज़ अब इस पे डाल रही हूँ मैं। ये मोज़रेला चीज़ है, अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ कुछ डालेंगे। चलिए अब ये हमारा हो गया। अब इसको सेट करके अब हम दूसरी वाली पेड़े को बेलते हैं। अब हम ये दूसरा पेड़ा भी उठाएंगे, और यहाँ मैंने ये मैदा स्प्रिंकल किया है। अब इस पेड़े को भी मैं बेल लूँगी इसी तरीके से, इसको भी बेल लेंगे। ये देखिए मैंने दूसरी वाली रोटी भी बेल ली। अब मैं इस पे इस तरीके से कट लगाऊंगी, ये देखिए ऐसे। ये देखें अब ये वाली रोटी मैं इसके ऊपर इस तरीके से रखूंगी, और इसे साइडों से हम इस तरीके से जोड़ देंगे इस तरह के,
ये देखिए मैं साइडों से इसको इस तरीके से दबा के हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए ये सारी जुड़ चुकी है। अब ये जो हमने अंडा बचाया था आधा हमने अंदर डाल दिया था और आधा बच गया था, अब मैं इसको अंडे को इसके ऊपर इस तरीके से लगा दूंगी सारा। एग इसके ऊपर कोट हो गया है, अब हम इसे बेक करते हैं। ये मैंने एक बड़े साइज का देगचा लिया है, उसके नीचे मैंने नमक बिछा दिया और ऊपर मैंने एक स्टैंड रख दिया है। अब हम अपना पिज्जा पाए जो है इसे इसके अंदर ऐसे रखेंगे, इसको मैं कवर कर दूंगी। पहले इसको मैं तकरीबन 3 मिनट हाई फ्लेम पे रहने दूंगी और 3 मिनट के बाद मैं इसको तकरीबन 20 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे इसे बनाऊंगी। तो फिर अब हम 23 मिनट के बाद मिलते हैं। 23 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम चेक करते हैं। ये देखें कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आ चुका है और ये बिल्कुल हो भी चुका है परफेक्ट। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इसे डिश आउट कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा ये तैयार हुआ है। आपने इसे घर में ज़रूर ट्राई करना है। मैं अब आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका अंदर से भी इसका क्रस्ट इतना अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा। आपको ये खाने में भी बहुत मज़े का लगेगा। आपने इसको घर में ज़रूर बनाना है, बच्चों को भी बना के दें, खुद भी खाएँ। आपको इंशाल्लाह ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। ये देखें ये देखें ये कितना अच्छा तैयार हुआ है, अंदर से सारा चिकन और सब कुछ नज़र आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त। तो आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है। और अब आपको मेरी ये अगर रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।